हेलो एवरीवन, राम राम एंड वेलकम बैक टू परितांडी व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से स्वस्थ और हेल्दी होंगे। आज का ब्लॉग लेके आई हूँ मैं एक अपनी ऐसी बीमारी के बारे में बताने के लिए। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी ये ब्लॉग लेकर आने का, थोड़ा सा टाइम लग गया। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ मेरी उस बीमारी के बारे में जो कि मुझे उसने इतना प्रॉब्लम में डाल दिया था और दिनों दिन ये प्रॉब्लम मेरी बढ़ती चली गई थी, और कैसे मैंने इस प्रॉब्लम से निजात पाई, किस क्या मैंने किया कि उस वजह से मेरा मतलब ये प्रॉब्लम दूर हो गई है। तो उसी बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज का हमारा ये ब्लॉग है माइग्रेन के ऊपर, और मुझे ये माइग्रेन बहुत टाइम से था और इतना मैं माइग्रेन की प्रॉब्लम को फेस किया है, किस तरीके से इसने मुझे इतना प्रॉब्लम में डाल दिया था। और इतना माइग्रेन का प्रॉब्लम जो होता है ना, आपका सर इतना ज़्यादा दर्द करता है कि हम लोगों को ऐसे लगता है कि उस टाइम की क्या करें, सर दीवार से सर टकरा ले, ऐसे लग रहा है दीवार सर में कोई कील ठोक रहा है। तो इतना ज़्यादा हैवी दर्द होता है। तो इसी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के अपने इस व्लॉग में, और मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से माइग्रेन से हम निजात पा सकते हैं बिना एक रुपया भी खर्च किए। और मैंने पहले बहुत रुपये खर्च कर दिए हैं इस माइग्रेन के ऊपर, बहुत सारे टेस्ट करवा दिए। पूरा मैं जो माइग्रेन की जर्नी है वो आप लोगों के साथ आज इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। और माइग्रेन की वजह से ही मेरे ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं आ रहे थे, किस तरीके से मैंने फ़ोन से दूरी बना दी थी, टीवी से दूरी बना ली थी, सब कुछ। मैं सोचा कि सब कुछ करके देख लेते हैं अगर मेरा माइग्रेन ठीक हो जाए तो। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये ब्लॉग। तो ये तब की बात है जब कोविड की सेकेंड लहर आई थी, उस टाइम मेरी मम्मी को कोविड हो गया था और उस टाइम मैं जोधपुर में ही थी और तांडी साहब भी जोधपुर नहीं थे और मेरे भाई भाभी भी वहाँ पे नहीं थे अवेलेबल, वो घूमने के लिए गए हुए थे और उसी टाइम लॉकडाउन लग गया था, वो वहाँ फंस गए थे। और तांडी साहब भी अपने ड्यूटी पे थे, वो भी नहीं आ पाए थे। मैं अकेली जोधपुर में थी उस टाइम, मैं जोधपुर में ही रह रही थी तो इस वजह से। और उसी दौरान हो गया मेरी मम्मी को कोविड और मम्मी हॉस्पिटल में थे, और मैं मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उनको बहुत मानती हूँ। तो उस टाइम मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा मैंने स्ट्रेस पाल लिया था और उस वजह से मेरे को मतलब सर दर्द हो गया था। तो उस टाइम क्या हुआ कि मैंने क्या क्या मतलब चीज़ें मिस कर दी जिस वजह से मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, तो वो मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को। मेरे को क्या हुआ हो गया था कि उस टाइम खाना मैंने थोड़ा सा कम कर दिया था खाने के लिए, स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा ले लिया था। तो वो मैं एक चीज़ जो मम्मी का जो हुआ था कोविड वाला या जो भी है, वो मैं आपको फिर कभी आगे शेयर करूंगी अपनी पूरी जर्नी, तो उसके लिए मैं एक और अलग से ब्लॉग लेके आऊँगी। फिलहाल हम बात करते हैं माइग्रेन के बारे में। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि माइग्रेन के क्या क्या लक्षण होते हैं और किन सिम्टम से आपको पता लगेगा कि आपको माइग्रेन हो गया है या फिर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आप माइग्रेन की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो वो सब लक्षण मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो माइग्रेन का सबसे बड़ा लक्षण तो यही है कि आपका सर दर्द होगा जो कि आपका पूरे सर में दर्द नहीं होगा, आपके आधे सर में दर्द होगा जो कि आपका यहाँ पर भी सर दर्द हो सकता है, और यहाँ से बढ़ते बढ़ते आपका आधा सर दर्द होगा, और यहाँ से बढ़ते बढ़ते आपका सर दर्द यहाँ से होते हुए आपका पीछे की साइड तक चला जाएगा जो कि आधा सर ही दर्द होगा। तो अगर आपका सर, मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरा सर दर्द जब आधा सर दर्द होता था तो एक साइड से जब मेरा सर दर्द होता था तो वो जब मैं मेडिसिन खाती ठीक हो जाता, तो नेक्स्ट टाइम जब मुझे सर दर्द होता तो वो फिर दूसरी साइड में होता था, तो ये लेफ्ट राइट चलता रहता था। और अगर इस बार मेरा सर दर्द इधर से हुआ तो नेक्स्ट टाइम वो कन्फर्म इधर से नहीं होगा, फिर वो इस साइड से ही होगा। तो ये प्रॉब्लम थी मेरे को, और उस टाइम मैं मेडिसिन खाती थी तो मेरा ठीक भी हो जाता था। और माइग्रेन का एक वो होता है ना जो सर दर्द, वो आपको 3-4 घंटे तक सर दर्द रहेगा, और कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि आपका सर दर्द अगर ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वो आपका 3-3 दिन तक चलता रहेगा। तो ये माइग्रेन बहुत ही लंबा खींच जाता है, 3-4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक, 72 घंटे तक ये माइग्रेन का सर दर्द रह सकता है। और मुझे स्टार्टिंग में 3-4 घंटे वाला ही सरदर्द था और वो बढ़ते बढ़ते मेरा 72 घंटे तक भी आ गया, और 3-3 दिन तक मेरा जो कंटिन्यू सरदर्द होता था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे लिए तो डरावना खौफनाक उस टाइप का था, क्योंकि बहुत
प्रॉब्लम हुई थी मुझे उस टाइम, और उसकी वजह से मुझे उल्टी होने का भी वो हो गया शुरू। स्टार्टिंग में मुझे ये प्रॉब्लम नहीं थी, धीरे धीरे मुझे जब माइग्रेन का सरदर्द होता था तो उस टाइम मुझे उल्टी होना भी शुरू हो गई, गैस बनना शुरू हो गई, तो ये सारे सिम्टम्स भी शुरू हो गए थे मैंने जो माइग्रेन के टाइम में फेस किया था। अब मैं बताती हूँ कि माइग्रेन का रीजन क्या है, तो मैंने आपको वो भी जान लेना जरूरी है कि माइग्रेन आपको किस वजह से हो रहा है, कुछ ऐसा आप क्या कर रहे हो जिस वजह से आपको माइग्रेन शुरू हो गया, क्योंकि पहले मुझे नहीं था फिर सडन मेरा माइग्रेन शुरू हो गया, कुछ तो हुआ है ना कि जिसकी वजह से मुझे माइग्रेन शुरू हो गया है। तो माइग्रेन का सबसे पहला लक्षण है कि आपकी दिनचर्या सही नहीं है, आप अपना जो भी काम करते हो, जो भी है आपकी दिनचर्या, जो आपका डेली रूटीन है वो आपका सही नहीं चल रहा है, जो आपका पहले चलता आया है आपका वो उस हिसाब से नहीं चल रहा है, आपकी दिनचर्या में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, वो एक बहुत ही मतलब बड़ा लक्षण है माइग्रेन का। उसके बाद हम अगर बात करें दूसरे लक्षण के बारे में तो वो है खान पान, अगर आप खाना टाइम पे नहीं खा रहे हो या फिर अगर आप खाना स्किप कर रहे हो एक टाइम की, आप हमेशा मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हो फिर लंच करते हो फिर डिनर करते हो, सडन आप मॉर्निंग स्किप कर जो ब्रेकफास्ट है वो स्किप कर रहे हो, डायरेक्ट आप लंच कर रहे हो, उसके बाद आप डिनर थोड़ा बहुत जो खाते हो वो भी नहीं खा रहे हो टाइम पे, तो खाना खाना बहुत जरूरी है अपने बॉडी के लिए, तो खाना जैसे आप खाते आए हो हमेशा वैसे ही खाए। कई बार लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज के चक्कर में या फिर खाना छोड़ देते हैं और फिर उनको आगे जाकर माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो खाना बिल्कुल जरूर खाइए, खाने को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, और तीनों टाइम अगर खाते हैं तो तीनों टाइम खाइए, अगर आप दो टाइम खाते हैं तो दोनों टाइम आप खाना प्रॉपर जरूर खाइए जो भी आप खाते आए हैं, और अनहेल्दी खाना ना खाइए, अवॉइड कीजिए कि कुछ भी अगर अनहेल्दी है तो महीने में एक आध बार चलता है, बट अगर आपका वो जो अनहेल्दी खाने वाला जो अगर कंटिन्यू चलता आ रहा है तो वो आपको बाद में जाकर प्रॉब्लम में डाल सकता है, तो ये कोशिश कीजिए कि खाना प्रॉपर तरीके से खाया जाए, और उसके बाद स्ट्रेस भी हो सकता है। मेरा सारा कुछ हो गया था, मुझे मेरी दिनचर्या भी सही नहीं थी जब मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम शुरू हुई थी, उस टाइम मेरी ना दिनचर्या सही थी ना मेरा खान पान सही से हो रहा था, टाइम पे मैं खाना बिल्कुल भी नहीं खा रही थी, जब मुझे ऐसे लगता कि बहुत भूख लगी है अब बिना खाने के नहीं रह सकते तब मैं खाना खाती थी, और स्ट्रेस अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो उस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में थी, और इतना ज़्यादा स्ट्रेस मैंने पाल लिया था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि कहीं मैं डिप्रेशन में ना चली जाऊँ, मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था उस टाइम, और इसी वजह से मे भी शायद मुझे सरदर्द की प्रॉब्लम रह गई है। और कई बार महिलाओं में क्या होता है ना, हार्मोन इनबैलेंस की वजह से भी माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ महिलाओं में ये देखा गया है लेडीज में कि अगर आपको पीरियड शुरू होने वाले हैं तो उसके 2-3 दिन पहले आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी, या फिर उसके 2-3 दिन बाद आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम कंटिन्यू चलती रहती है, आपको पीरियड से पहले शुरू होने से पहले से लेकर पीरियड्स जब तक आपके कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, तो ये भी काफ़ी लेडीज में देखा गया है। ये वाली प्रॉब्लम जो थी मुझे नहीं थी, मुझे सिर्फ जब मेरे पीरियड शुरू होते थे उस दिन फर्स्ट डे मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती थी, लेकिन वो मेरी मेडिसिन खाने के बाद दूर हो जाती थी, तो ये वाला प्रॉब्लम मैंने ज़्यादा फेस नहीं किया था। लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, उस वजह से भी ये माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। कोशिश कीजिए अगर आपको माइग्रेन ज़्यादा हो रहा है तो आप फ़ोन से, लैपटॉप से, टीवी से, कुछ इन सब से थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। और मुझे जब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी 3-3 दिन के लिए, तो मैंने बिल्कुल भी फ़ोन देखना बंद कर दिया था, और इसी वजह से मैंने व्लॉगिंग भी नहीं की थी, सब कुछ मैंने छोड़ दिया था कि एक बार अगर मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो फिर हम देखेंगे। हालांकि जब मेरा ये माइग्रेन का प्रॉब्लम शुरू हुआ था उस टाइम मैं फ़ोन का ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, मुझे जो हुआ था वो स्ट्रेस की वजह से, या खाना मैंने सही टाइम पे नहीं खाया, मेरी दिनचर्या सही से नहीं थी उस वजह से हुआ था। लेकिन ये भी एक बड़ा लक्षण है कि अगर आप ज़्यादा मोबाइल टैबलेट या फिर लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हो तो उस वजह से भी आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको माइग्रेन हो जाए तो आप किसको दिखाएं, तो माइग्रेन के लिए सबसे बेस्ट है आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं जाके, और पहले पता कर ले कि वो डॉक्टर जिसको आप दिखाने जा रहे हो वो सही है कि सही नहीं है, एक दो से आप कंफर्म करने के बाद ही जाइए। आप ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत महंगा हॉस्पिटल है,
तो मे भी आपका ट्रीटमेंट अच्छा हो जाएगा, जरूरी नहीं है। ये मैं भुगत चुकी हूँ, इस बारे में भी मैं आप लोगों से अभी इसी ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से उन्होंने मेरे कितना ज्यादा मैंने अपने पैसे वेस्ट कर दिए और मेरी माइग्रेन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। तो इस बारे में भी मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाली हूँ। तो जब मेरा माइग्रेन बहुत ज्यादा हो गया था, मम्मी को मेरे कोविड हुआ था उस टाइम मेरा माइग्रेन हो गया था, तो फिर मैंने उस टाइम मैं कॉम्बिफ्लेम मेडिसिन खाती थी। तो कॉम्बिफ्लेम के बाद क्या हुआ कि मुझे वहां से जब मेरे मम्मी रिकवर हो गए थे, मम्मी की तबीयत ठीक हो गई थी, घर पे आ गए थे, सब कुछ सही था, तब मैं गई थी सूर्य लंका जो साउथ में है। तो साउथ में पोस्टिंग थी तांडी साहब की, तो मैं वहां पे जब गई थी तो मैं अकेले गई थी बच्चों को लेकर, मैंने ट्रेन का सफर किया था। तो उस टाइम मेरे को ट्रेन में फिर से सर दर्द हुआ था, जो कि मेरा 2 दिन की जो जर्नी थी जोधपुर टू सूर्यलंका, तो उसमें मेरे को कंटिन्यूसली दर्द हो रहे थे और मैं कंटिन्यूसली दिन में दो दो बार कॉम्बिफ्लेम खाती थी। मैं साथ में लेकर गई थी वो मेडिसिन, तो वो मैंने खाई थी वहां पे। फिर जब मैं वहां से सूर्यलंका में सेटल हो गई, तब मेरा सरदर्द महीने में एक आध बार ऐसे होता था कि मेरा ट्रिगर करता था कि अब मेरे को लगता था कि तेज रोशनी की वजह से और तेज साउंड की वजह से माइग्रेन का एक ये बहुत बड़ा लक्षण ये है कि आपको तेज रोशनी से प्रॉब्लम होगी या तेज साउंड से प्रॉब्लम होगी। तो ये प्रॉब्लम मेरे को पहले पता नहीं चला था कि इस वजह से हो रहा है। जब मेरा माइग्रेन का जब मेरे को लगता है ना ट्रिगर हो गया है, तो उस टाइम भी मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, मैं सोचती शायद मे बी लाइट की वजह से थोड़ा सा ऐसे लग गया हो, या फिर मतलब वो तेज साउंड की वजह से शायद ऐसा लग गया हो। तो मैंने वो चीज मैंने बाद में जब नोटिस करी थी, जब मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी, तो उस टाइम मेरा होता था तो फिर मैं कॉम्बिफ्लेम ले लेती थी और नॉर्मल इग्नोर कर लेती थी। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं डेली कॉम्बिफ्लेम हमेशा मेरे पास रखती थी, जो आप पेट दर्द के लिए, सर दर्द के लिए, सारा कोई भी दर्द के लिए आप यूज कर सकते हो। अगर पीरियड के दौरान भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो भी मैं खा लेती थी मेडिसिन, तो वो मैंने मेडिसिन खा ली थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग वहां से सूर्यलंका में हम लोग रहे थोड़ा टाइम और फिर हम लोग आ गए थे आसाम। तो जब मैं आसाम में आई तो यहाँ के मौसम की वजह से शायद मुझे लगा कि हो सकता है मैं वहां से निकलकर यहाँ आई हूँ, मौसम टोटल अलग है वहां से यहाँ का, तो हो सकता है शायद मौसम की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो गई हो। तो यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई थी और मुझे जब सरदर्द होता था, सुबह मेरा सरदर्द होता था, दोपहर तक मुझे कंटिन्यूसली सरदर्द होता था, मेडिसिन खाती थी, सो जाती थी, फिर उसके बाद ठीक हो जाता था। तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम मेरी बढ़ती चली गई और मुझे माइग्रेन फिर इतना ज्यादा मेरा सरदर्द होने लग जाता था कि कंडीशन ऐसी हो गई थी कि आज अगर सुबह मेरा सरदर्द हो रहा है तो वो मेरा कंटिन्यू पूरा दिन चलेगा, उसके बाद मेडिसिन खाऊंगी। नाइट में मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती थी कि मुझे दुपट्टे से पूरा सर बांधना पड़ता था, जहां जहां मेरा सर दर्द होता था वहां पर मुझे ऐसे दबाना पड़ता था, बट फिर भी मेरा सर दर्द ठीक नहीं होता था। मुझे ऐसे लगता था कि कोई मार रहा है जैसे मेरे सर में, बड़ा कंटिन्यूसली टक 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 वो ऐसे क्लिक हो रहा था, तो जो कि बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। मैं बहुत सफर कर रही थी उसको लेकर। फिर धीरे धीरे मेरे को ये टाइमिंग मेरी बढ़ने के साथ ही, मैं जो मेरे को महीने महीने में सरदर्द होता था वो मेरे को हर 15 दिन में होना शुरू हो गया, उसको लेकर धीरे धीरे वो मेरा 1 वीक में होना शुरू हो गया। हर हफ्ते मेरा सरदर्द हो रहा था, मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये किस रीजन से हो रहा है। तो जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कंफर्म किया कि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो मैंने फिर सोचा कि चलो माइग्रेन का ट्रीटमेंट करवाते हैं। एक बार ये हो गया कि मेरा सरदर्द 3 दिन तक कंटिन्यू हो रहा था, मैंने मेडिसिन भी खा ली थी, उसके बावजूद मेरा सरदर्द नहीं रह रहा था, मुझे बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही थी, खाना कुछ भी खा नहीं रही थी, इसलिए उल्टी बार बार मेरे को ऐसे लग रहा वोमिटिंग हो रही है, पानी निकलता था ओनली फॉर, कुछ भी खाना वाना मैंने सब छोड़ दिया था। और यहाँ से मेरा गला दर्द करने लग गया था ज्यादा उल्टी करने की वजह से, और यहाँ से मेरी आंखें दर्द करने लग गई थी अंदर की तरफ से, इतना ज्यादा मुझे सरदर्द होना शुरू हो गया था। तो फाइनली मुझे फिर जाना पड़ा डॉक्टर को दिखाने के लिए बाहर। तो जब मैं गई डॉक्टर को दिखाने के लिए, यहाँ पर डिब्रूगढ़ में एक अपेक्षा नाम का हॉस्पिटल है, तो जो कि नया ओपन हुआ है, और मेरे को काफी लोगों ने सजेस्ट किया कि आप अपेक्षा में जाइए, आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, वहां पर बहुत ही अच्छी डॉक्टर है और वो आपका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर देंगे। तो जब मैं वहां पर गई तो मुझे मेरा इतना ज्यादा सरदर्द हो रहा है, मैं वहां पर गई हूँ तो वहां पर
भीड़ थी, ऑब्वियस सी बात है हॉस्पिटल में भीड़ हो जाती है, तो वहाँ पर मैंने बोला कि मुझे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पहले दिखा दीजिए। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि जो लाइन है, जो नंबर वाइज है, उन्हीं को देखा जाएगा। आप कितने भी प्रॉब्लम में हो, पब्लिक ये नहीं देखेगी कि इस बंदे को प्रॉब्लम है, इस बंदे को प्रॉब्लम है, तो इनको पहले जाने देते हैं। वो लोग वो नहीं सोचते। फाइनली मजबूरी में मुझे इमरजेंसी में जाकर दिखाना पड़ा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे मेडिसिन खानी थी, और उस टाइम मेरे पास कॉम्बिफ्लेम भी अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने सोचा कि जो मेडिसिन है मेरे को माइग्रेन की, जो प्रॉपर मेडिसिन होती है, वो मैं खा लूँ तो शायद मे भी मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। तो इमरजेंसी में मैंने उनको दिखाया है मैंने, तो उन्होंने फिर डॉक्टर आए थे, डॉक्टर ने मुझे देखा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारे टेस्ट लिख के दे दिए। उन्होंने मेरा ब्लड सैंपल लिया था, पता नहीं क्या टेस्ट किया था, क्या टेस्ट के लिए वो मतलब ब्लड सैंपल लिया था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और उसके साथ ही उन्होंने मेरा शुगर टेस्ट का वो बोल दिया कि शुगर टेस्ट करवाइए, बीपी चेक किया था। उसी के साथ ही उन्होंने बोला कि आप थायराइड का टेस्ट भी करवा लीजिए। तो ये सारे टेस्ट जो उन्होंने करवाए हैं, जिसकी कोई भी जरूरत नहीं थी, मुझे किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था कि मुझे ये टेस्ट करवाने की जरूरत है। और टोटल मैंने जितने भी टेस्ट करवाए, अपेक्षा में अगर आप नॉर्मल दिखाने जाते हैं तो 500 रुपये चार्ज लेते हैं, लेकिन अगर वही आप इमरजेंसी में दिखाते हैं तो 1000 रुपये चार्ज लगता है। तो मेरा 1000 रुपये का चार्ज लग गया था, क्योंकि मैंने इमरजेंसी में दिखाया था। उसी के साथ ही मुझे जो टेस्ट दे दिए गए थे, वो मैंने अपेक्षा में से ही करवाए थे, और उन्होंने मेरी ECG भी करवाने को बोल दिया था। तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ का लॉजिक है, कि अगर आपको सरदर्द हो रहा है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो आपको ECG करवाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था, और मैं हैरान थी कि इतने सारे टेस्ट क्यों, इतना मेरी बॉडी में क्या हो गया है कि इतने सारे टेस्ट करने की जरूरत पड़ गई है। रही बात शुगर की, तो वो भी मुझे लग रहा था कि काफी टाइम से मैं बहुत ही खाने में कंट्रोल कर रही हूँ, बहुत सोच समझ के खा रही हूँ कि कौन सा खाना मेरे को खाना जरूरी है, चीनी मुझे कितनी मात्रा में लेनी है, तो मैं सब सोच के चल रही थी। बट फिर भी अगर ये बोल रहे हैं शुगर का, तो ये कैसे हो सकता है। बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो करवा लेते हैं टेस्ट एक बार, क्या पता मे भी शायद कुछ आ जाए रिपोर्ट्स में। जितने भी टेस्ट करवाए गए थे उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी, और 5000 रुपये के मेरे सारे टेस्ट और वो सब हुआ था। 1000 की मेरी जो फीस लगी थी, और 4000 रुपये के, 3700 रुपये के मेरे हुए थे टोटल, ये जो टेस्ट हो गए और मेडिसिन हो गई, और क्योंकि उन्होंने 500-600 रुपये की तो मेडिसिन ही दे दी थी मुझे, और जबकि मुझे माइग्रेन में एक नॉर्मल मेडिसिन चाहिए थी, मुझे प्रॉपर मेडिसिन नहीं पता थी कि माइग्रेन की कौन सी मेडिसिन होती है। और इतने सारे टेस्ट, इतने सारी मेडिसिन देने के बाद जब मैंने मेडिसिन खाई, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। एक प्रॉब्लम ये हो गई कि डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिख के दी थी, वो मैंने मेडिकल में जो भैया को बोला था, तो उन्होंने मुझे को 2-3 मेडिसिन दी थी उल्टी के लिए, और अगर आपको सरदर्द के दौरान एंजाइटी थोड़ा बहुत अगर लग रहा है उसके लिए, तो वो सारी मेडिसिन दी थी। तो उन्होंने जो माइग्रेन वाली मेडिसिन थी उस पर उन्होंने एंजाइटी लिख दिया था, और जो उन्होंने एंजाइटी वाली मेडिसिन थी उस पर उन्होंने माइग्रेन लिख दिया था। तो मुझे एंजाइटी वाली मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं थी, ना मुझे वैसा कुछ लग रहा था, इस वजह से मैंने वो मेडिसिन ली नहीं। और जब भी मेरा सरदर्द होता, मैं जो एंजाइटी वाली मेडिसिन थी उस पे उन्होंने माइग्रेन लिख दिया था, तो मैं वही गोली खा रही थी, तो इस वजह से मेरा सरदर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। तो फिर कंटिन्यूसली मेरे को ये प्रॉब्लम मेरी बढ़ गई फिर से, फिर मेरा सरदर्द हो रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रही हूँ, कुछ ऐसी जो मतलब मेरा माइग्रेन ठीक नहीं हो रहा है, और क्यों मैं इतना, मेरा ये माइग्रेन दिनों दिन लंबा खिंचता जा रहा है क्या। मैं फिर मैंने खान पान का प्रॉपर ध्यान रखा, मैं प्रॉपर तरीके से खाने लग गई, दिनचर्या मैंने मेरी एकदम परफेक्ट कर रखी थी यहाँ पर, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो मैं भी साथ में ब्रेकफास्ट कर लेती थी, लंच मेरा टाइम पे हो जाता था, ज्यों ही बच्चे स्कूल से आते हम लोग सब साथ में खाना खाते हैं, नाइट में डिनर भी मेरा टाइम पे हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं रात को 10-11 बजे खाना खाती हूँ, मैं नॉर्मली 8 बजे हमारा खाना हो जाता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम मेरी मतलब ये है, जो मतलब मैं कहीं मिस्टेक कर रही हूँ। तो जब इतना सारा कुछ हो गया, मैंने फिर फाइनली क्या किया, हमारे अंदर ही जो डॉक्टर होते हैं, तो मैं वहाँ पर गई दिखाने के लिए, और उनको जब मैंने मेडिसिन दिखाई, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जो मेडिसिन खा रही हो वो मेडिसिन ही गलत है, जो माइग्रेन की मेडिसिन आपको दी गई है उस पे ये नाम किसने लिखे हैं, गलत नाम लिखे गए हैं। तो मैंने उनको बताया कि ये मेडिकल पे जो मैंने मेडिसिन ली थी उन्होंने लिख के दिया था।
तो उन्होंने बताया कि ये उन्होंने गलत लिख दिया था और आप गलत गोली खा रहे थे, इस वजह से आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। और फिर उन्होंने बोला कि माइग्रेन के लिए जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है, बहुत सी मेडिसिन आ गई है मार्केट में कि ये भी माइग्रेन के लिए है, ये माइग्रेन के लिए है, लेकिन अगर आपको माइग्रेन हो रहा है, अगर आप नॉर्मल कॉम्बी फ्लैम भी खाते हैं तो वो आपका सर दर्द एकदम ठीक कर देगी, तो आप नॉर्मल कॉम्बी फ्लैम खा सकते हो। तो उसके बाद मैंने सारी जो मेडिसिन थी उन सबको कचरे में डाला और उसके बाद मैंने कॉम्बी फ्लैम शुरू करी, क्योंकि जिस दिन मैं दिखाने गई उस दिन मेरे को सर दर्द हो रहा था, तो मैंने फिर कॉम्बी फ्लैम खाई और फिर मैं घर आ गई। फिर क्या हुआ कि फिर मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हुई, फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर हो रही है, फिर वो कंटिन्यूसली खिंच रही है, फिर मेडिसिन खा रही हूँ, फिर ठीक हो रही है, फिर वही वैसे हो रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि इतना सारा कुछ पैसे वेस्ट करने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद और इतना टाइम, 2 साल तक मैंने सफ़र किया माइग्रेन की प्रॉब्लम के साथ, फिर मुझे किसी मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि मे बी शायद आप पानी नहीं पी रहे हो टाइम पे, आप पानी प्रॉपर पिया करो, अगर आप पानी पियोगे तो फिर आपको सरदर्द की प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉर्मल भी अगर किसी को सरदर्द होता है अगर कोई पानी पीते हैं तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो मैंने उनको बताया कि यहाँ पर प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है, आसाम का मौसम ऐसा है कि बारिश होती रहती है, बहुत नमी है हवा में, इस वजह से हमको प्यास ही नहीं लगती है, गर्मी नहीं है यहाँ पे इस वजह से। तो मेरा ये है कि मैं अगर खाना भी खा लेती तो भी मैं कुल्ला कर लेती, मुंह धो लेती और मैं पानी नहीं पीती, पूरे दिन में मैं सिर्फ 1 गिलास पानी पीती थी। तो ये प्रॉब्लम थी कि मतलब इस वजह से कि माइग्रेन की प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने माइग्रेन से फिर निजात कैसे पाई और अब मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 20 दिन से मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि मुझे बिल्कुल भी माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो वो मेरी माइग्रेन की प्रॉब्लम का सबसे बड़ा इलाज है पानी, और मैंने, मेरी फ्रेंड ने जब मुझे सजेस्ट किया तो मैंने पानी पीना शुरू किया, पानी बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती थी यहाँ पे, और मैं फ्रीज में कभी भी ठंडा पानी नहीं रखती थी। फिर मेरे को उसने बोला कि आप पानी फ्रीज में ठंडा करके पी सकते हो ताकि आपको इजीली आप पी पाओगे, क्योंकि नॉर्मल पानी आप फिर पीने में आपको फिर वो लगता है थोड़ा, अगर पानी ठंडा होगा तो आपको भाप भी जाएगा। तो मैंने फिर फ्रीज में पानी रख के ठंडा फिर मैंने पीना शुरू किया। कुछ दिन तक मैंने ग्लूकोन डी बनाया, नींबू पानी बनाया, पूरा दिन मैं पानी पीती चली गई, बहुत ज़्यादा पानी पिया मैंने। मुझे ये लगा कि ज़्यादा पानी पीने से, ठंडा पानी अगर हम ज़्यादा पीते हैं फ्रीज का तो हमारा पेट भी बढ़ जाएगा, पेट निकल जाएगा, तो इस वजह से। बट मैंने ये सोचा कि अगर आपका पेट निकल रहा है तो वो चलेगा, लेकिन अगर आपका सर दर्द हो रहा है, अगर आप फिर बैठ भी नहीं पाओगे शांति से, तो फिर पेट का क्या फायदा, कि पेट आपका, अगर आप स्लिम फिट हो तो भी कोई फायदा नहीं है अगर आप सर दर्द की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो होने देते हैं, जो पेट निकलेगा जो होगा देखा जाएगा, ये चीज हम एक्सरसाइज करके भी ठीक कर सकते हैं। फिर मैंने ठंडा पानी पीना शुरू किया, नींबू पानी, ग्लूकोन डी, मैं हर आधे घंटे में 1 गिलास पानी पी रही थी। जब भी मैं बैठूंगी मेरे पास पानी की बोतल जरूर मिलेगी, मैं पानी की बोतल लेकर बैठूंगी। अभी वीडियो शूट कर रही हूँ तो भी मैंने बीच में एक बार पानी पिया था, और पानी की वजह से ही मेरा माइग्रेन की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हुई है। और मैं आप सभी को फ्रेंड्स ये बताना चाहती हूँ कि माइग्रेन अगर आपके फैमिली मेंबर्स में किसी को, या आपको, या आपके आसपास आपके फ्रेंड सर्कल में अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो आपको कुछ भी टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं वो फालतू के पैसे वेस्ट करवाते हैं, बहुत सारे टेस्ट लिख के दे देते हैं कि आप ये टेस्ट करवा लो, आप वो टेस्ट करवा लो, जबकि आपको उनकी कोई जरूरत नहीं होती है। और मैंने बहुत ही फालतू में वो टेस्ट करवा दिए, बहुत मेरे पैसे वेस्ट हो गए थे। बट अगर आप खाना प्रॉपर टाइम पे खाते हो, अगर आप स्ट्रेस नहीं पालते किसी चीज़ का, कुछ अगर आपको स्ट्रेस नहीं है, आपकी अगर दिनचर्या सही है, आप अगर फोन, लैपटॉप, टीवी का सही टाइम पे सही उपयोग करते हो, ज़्यादा आप उनका यूज़ नहीं करते हो, और मेन चीज़ अगर आप नींद प्रॉपर तरीके से लेते हो, सोना भी बहुत ज़रूरी है, मैक्सिमम 8 घंटे तो आपको मिनिमम नींद लेनी ही लेनी है, मैक्सिमम 10 घंटे, तो 8 से 10 घंटों के बीच में आपकी प्रॉपर नींद पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो भी आपको सर दर्द रह सकता है, तो वो जरूर कीजिए। और फालतू की मेडिसिन लेने का कोई मतलब नहीं है, आप नॉर्मल एक कॉम्बी फ्लैम ले सकते हो, उससे भी आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। और जब तक आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है
तब तक कोशिश कीजिए तेज साउंड वाली जगह पे जाने से बचे, जहाँ पे ज्यादा बहुत ज्यादा लाइट का एकदम से वो होता है रिफ्लेक्शन, उस वहां पे जाने से बचे। एकदम से आप बाहर निकलते हैं, सूरज की तरफ देखते हैं, एकदम से रोशनी पड़ती है, उस वजह से भी माइग्रेन हो सकता है, तो कोशिश कीजिए वो भी थोड़ा सा आप उस चीज का ध्यान रखिए। और सबसे मेन बात, आप पानी खूब पीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा पानी पियेंगे तो उससे आपका माइग्रेन की प्रॉब्लम, मैं आपको गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैंने 2 साल तक जो प्रॉब्लम फेस की वो मेरी सडन ठीक हो गई है, सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से। और शायद मैंने जब मेरी मम्मी को कोविड हुआ था उस टाइम शायद मैंने टाइम पे पानी नहीं पिया था। मैं बहुत रोती थी उस टाइम और बहुत अकेले पड़ गई थी उस टाइम। मुझे ये था कि मेरी मम्मी को कुछ होना नहीं चाहिए, तो उस स्ट्रेस की वजह से खान पान मेरा सही से नहीं हो रहा था, दिनचर्या मेरी बिल्कुल भी बिगड़ गई थी। ना मैं टाइम पे खाना खाती थी, ना मैं टाइम पे सोती थी, ना मैं टाइम पे पानी पीती थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। इस वजह से मुझे ये माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई थी। तो आप पानी बहुत सारा पीजिए, जितना आप पी सकते हो उतना आप पानी पीजिए, तो आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर ऐसा हो जाएगा कि आपको कॉम्बी फ्लैम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और माइग्रेन का, हालांकि ये है कि अगर आपको माइग्रेन हो जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई टाइमिंग नहीं है, आप कोई भी टेस्ट करवा लो, ये किसी भी टेस्ट में नहीं आएगा कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। कहीं भी कोई भी टेस्ट करवा लीजिए, आपको माइग्रेन का पता नहीं चलेगा। तो कोशिश कीजिए पानी ज्यादा पीजिए। फालतू के टेस्ट अगर डॉक्टर दे रहे हैं तो करवाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे पैसे फालतू के वेस्ट हो जाएंगे आपके। और पानी आपको भरपूर मात्रा में पीना ही पड़ेगा, और पानी पीने की वजह से आपका फेस भी साफ हो जाएगा, जितनी भी गंदगी होगी आपकी फेस की जो वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगी। आपके फेस पे अगर पिंपल हो रहे हैं, चेहरा साफ नहीं है, आप पानी पीजिए भरपूर मात्रा में, उससे आपका चेहरा साफ हो जाएगा, तो आपका मेकअप का खर्चा भी बचने वाला है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, लेडीज को तो यही चाहिए होता है। लेकिन जोक सपाट है, ये चीज, ये मेकअप का हो गया या वो सब, चेहरा साफ हो गया वो भी चलो ठीक है, बट जो आपका सर दर्द है वो प्रॉपर ठीक हो जाएगा, इस चीज की मैं गारंटी लेती हूँ। मैंने ये चीज फेस की है और मैंने इस चीज से मैं निकल भी गई हूँ, सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से। कि अगर मैं अगर टाइम पे पानी पी लेती तो मैं भी शायद मुझे ये प्रॉब्लम इतना लंबा नहीं खींचती, ठीक हो जाती। तो माइग्रेन की सबसे बड़ी यही, मतलब प्रॉब्लम का यही इलाज है कि आपको पानी प्रॉपर पीना है। आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे, किसी भी वीडियो पे कहीं नहीं दिखाया गया है कि माइग्रेन के अगर हो रहा है तो आप पानी पीजिए। सब लोग कुछ ना कुछ अलग अलग रीजंस बता रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर वही बताऊंगी जो मैंने फेस किया है। तो आप लोग पानी जरूर पीजिए। और उम्मीद करती हूँ मैंने जो अपनी माइग्रेन की जर्नी शेयर की और जो मैंने आपको इसका इलाज बताया है लास्ट में जाकर, कि अगर सर दर्द हो रहा है तो आप कॉम्बी फ्लैम ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसको प्रॉपर ठीक करना है तो आपको पानी ही पीना पड़ेगा, क्योंकि यही एक ऐसा इलाज है जो जिससे आपका माइग्रेन ठीक हो सकता है। और माइग्रेन की बीमारी का कोई परमानेंट नहीं है कि ये 5 साल के लिए होती है, 10 साल के लिए होती है, 6 महीने के लिए होती है, 1 महीने के लिए होती है। किसी किसी लोगों का ये साल भर में ठीक हो जाता है, किसी किसी लोगों का ये होता है कि वो लाइफ टाइम चल जाता है। तो अगर आपको परमानेंट ठीक करना है तो आप पानी जरूर पीजिए। तो यही था माइग्रेन का इलाज, और मैं कर रही हूँ माइग्रेन का यही इलाज। हाल फिलहाल मैं पानी बहुत पीती हूँ और पानी की वजह से ही मुझे मेरे माइग्रेन से मेरा पीछा छूटा है, और बस भगवान की कृपा रहे कि फिर से मेरे को ये माइग्रेन के प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा फेस किया है ये माइग्रेन की प्रॉब्लम। मेरे डार्क सर्कल हो गए थे, मुझे इतने उल्टियां होने लग गई थी, मुझे वीकनेस हो गई थी, चक्कर आने से लग गए थे, मैं जो ही खड़ी होती मैं गिर जाती, इतने चक्कर आते, मेरी आंखों के अंदर की तरफ से दर्द होता था, सर में मेरा गर्दन के पीछे की तरफ से दर्द होता था, ना मैं सो सकती थी ना मैं बैठ सकती थी, इतना प्रॉब्लम हो गया था। बट फाइनली मैं इन सब से दूर हो चुकी हूँ अभी पानी की वजह से ही। तो आप लोग भी जरूर पानी पीजिए, खाना टाइम पे खाइए, मोबाइल टीवी लैपटॉप का यूज कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल कह दूंगी कि बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ तो मोबाइल तो मेरा पहला काम है, और बट फिर भी एक कोशिश करती हूँ कि एक टाइम के बाद मोबाइल यूज ना करो। अगर आप बिस्तर में जा रहे हो, सोने जा रहे हो, तो आप मोबाइल को एक साइड में छोड़ दीजिए। बहुत से लोगों की हैबिट होती है, इंक्लूडिंग मी, कि आप जब सारा काम निपटा देते हो, जब आप सोने जाते हो तो उस टाइम आप फोन लेके बैठ जाते हो। तो मैंने वो चीज भी छोड़ी है अभी, कि अगर लाइट बंद हो गई है तो फोन को भी बंद करके साइड में रखना है।
और उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। बहुत लंबा हो रहा है ब्लॉग, इसीलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। और जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है उनको प्लीज ये ब्लॉग जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो फालतू के खर्चे और माइग्रेन की टेंशन से बच सके। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए राम राम।